उनकी बायोग्राफी डिस्कस करेंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनकी लाइफ से रिलेटेड और लिटरेरी करियर से रिलेटेड आज की इस वीडियो में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे 1340 से लेकर के 1400 का टाइम ड्यूरेशन जो जियोफ्री चौसर का है थी. तो ये आपका जो क्लास होगा ये सभी एग्जाम्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए आप सभी एस्पेरेंट्स के लिए है इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए आज इस चैनल में हम इनकी क्लास को डिस्कस करेंगे तो चलिए बिना डिले किए हुए हम बात करते हैं जोफ्री चौसर बायोग्राफी डिस्कस करेंगे और सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो बात करेंगे उनके वर्ड से रिलेटेड जोफ्री चौसर वॉज बॉर्न इन थर्टीन फोर्टीन लंडन इंग्लैंड एंड डायड ऑक्टूबर ट्वेंटी तो लंडन इंग्लैंड इंग्लैंड के लंडन सिटी में थर्टीन फोर्टीन में इनका बर्थ हुआ था ज्योफ्री चौसर का और इनका डेथर जो था वो फोर्टीन हंड्रेड था ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर और लंडन सिटी इंग्लैंड में ही इनकी डेथ हुई थी

वर्ग्स लिखे जाते थे जो भी बुक्स लिखी जाती थी या पोएम्स लिखी जाती थी वो उन्हीं लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी और बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रहे हैं द फर्स्ट फाइंडर ऑफ आवर लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज की जो फाइंडर को अगर आप देखते हो कि जिसने ज्यादा एक तरीके से इम्प्लीमेंट किया है अपने वर्क में दैट वाज चौसर इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का मिडिल इंग्लिश का या मिड ईस्ट इंग्लिश का ज्यादा यूज किया है अपने ले, 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 बुक्स में रादर देन लैटिन एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस और ग्रीक तो यहाँ शेक्सपियर के पहले के अगर ऑथर की बात करते हैं पोएट्स की बात करते हैं तो जियोफ्री चौसर इज आउटस्टैंडिंग पोएट वी हैव इन इंग्लिश लिटरेचर अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट इनकी लाइफ से रिलेटेड है कि इनके नाम से रिलेटेड है जो इनका एक सर नेम था चौसर इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ियर विच मीन मेकर ऑफ फूड वियर यह इनका एक तरीके से फैमिली बिजनेस था अगर इनके फादर की बात करें इनके जो दादाजी थे उनकी बात करते हैं तो वो एक तरीके से फैमिली बिजनेस जो की मेकर ऑफ फूड वीयर इनको बोला जाता है तो ये फ्रेंच वर्ड से निकल के आया है चोसेरियर जिसका मतलब होता है मेकर ऑफ फूड वीयर एंड दैट्स वाई जॉन चोसर इनके फादर थे जोफ्री चोसर इज दोएट भी है तो इसी वजह से जो फ्रेंच वर्ड से लास्ट का जो सर नेम है इनका उसकी बात करते हैं उसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो दैट इज मेकर ऑफ फूड पियर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि क्या था उनका जो एक फैमिली बिजनेस की बात करते हैं या चौसर वर्ड जो है किस वर्ड से निकल के आया हुआ है उसका मीनिंग क्या होता है तो इसको भी आप जरूर अपने माइंड में ध्यान दीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिए सो दैट आप इसको भूलिए मत अगली बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की देखिए इस कंटोबरी ंग्लिश करेंटेबल डिटेल्स की बात करें वेराइटी ऑफ कैरेक्टर की बात करें जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से कैरेक्टर्स लिए गए हैं इस वर्क को लिखने के लिए जो चौथर ने जो यूज करा हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी देखते हो कैरेक्टराइजेशन देखते हो, आप इस वर्क में जो कि पोइटिक वर्क है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बुक या ग्रेटेस्ट पोएम रैंक होती है इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम ग्रेटेस्ट पोएम की बात करते हैं जैसे हम पेराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं जॉन मिल्टन की उसी तरीके से हम ज्योफ्री चौसर के टेल्स को कभी इग्नोर नहीं करते हैं या इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है बिकॉज एट टाइम इन द मिडल इंग्लिश पीरियड आप देखोगे जिस तरीके से इस वर्क को लिखने इस पोयम को लिखने के लिए चौसर ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपना जो पोएटिक स्किल है दैट इज द makes this work a greatest work, one of the greatest work of the English language. agle important fact ki baat karenge the chief characteristics of ४० works are the variety in subjects. ek subjects pe na likh kar ke inke paas इनके poems में इनके other works में आप देखोगे कि variety of characterisation है जो prose works पे लिखे हुए हैं, variety of subjects या themes का involvement है इनके works में. Genre, tone, style की बात करते हो और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज प्रजेंटेड हैं रिलेटेड टू ह्यूमन एंड सेंसिबल एक्जिस्टेंस से रिलेटेड इनके वर्कस में आप इस तरीके के कैरेक्टराइजेशन देखते हो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फीचर्स की बात करते हैं जोफ्रे चौसर के वर्क की तो आपको उनके वर्कस में आपको वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट वेराइटी ऑफ मैटर्स एंड वरायटी ऑफ जो इनका एक टोन है स्टाइल है वो सब कुछ आपको इनके वर्कस में देखने को मिलेगा और इस वजह से इनको एक सेंसिबल पोएट

जौसर का जब जन्म हुआ था हु वॉज द रूलिंग किंग एट दैट टाइम इन इंग्लैंड तो वो हमारा एडवर्ड थर्ड होगा एडवर्ड थर्ड के टाइम पे इनका बर्थ हुआ था जियोफ्री चौसर का और वो लिव मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम की बात करें जो उन्होंने लिव किया हुआ है जो उनका जीवन था मोस्ट ऑफ द टाइम का ऑन दिस अर्थ दैट वाज पास इन द रेन ऑफ द रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ जब असेंड हुए थे थ्रोन पे इंग्लैंड के तो उस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी अय्यर डीओ ईयर आफ्टर जब हेनरी फोर्थ ने असेंड किया था एज अ किंग थ्रोन पे तो उसके काट साल बाद इनकी डेथ हुई थी तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते थे बन सकता है इवन बनता है कि हु आर दी थ्री रूलिंग किंग्स इन व्हूज टाइम ड्यूरेशन Was born, lived and died. तो एडवर्ड थर्ड रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी फोर्थ ये सीक्वेंस में भी पूछ सकता है आपका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आप सकता है कि किन किन किंग के टाइम ड्यूरेशन में का टाइम ड्यूरेशन जो था वो जियोफ्री चौसर का टाइम ड्यूरेशन था हु द रूलिंग किंग एट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द जियोफ्री चौसर फ्रॉम 1340 टू 1400 तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल इसको जो सीरियल वाइज है सीक्वेंस में मींस फर्स्ट जो थे एडवर्ड थर्ड सेकंड जो थे रिचर्ड सेकेंड और थर्ड जो थे वो थे हमारे हेनरी फोर्थ ओके ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग और इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए मींस मस्ट है इसको नोट डाउन करना ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ अगर हम बात करेंगे चौसर हैज बीन हेल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा ठीक है चौसर का जो अगर आप बोलते हो अगर आप बात करते हो तो इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेशा बोला जाता है क्यों क्योंकि इसके बाद ही जो था वो रिनेशा का जो स्टार्टिंग हुआ था अगर बात करते हैं इटाली में स्टार्ट हो चुका था उसके बाद धीरे धीरे ये यूरोप की अदर कंट्रीज में फैलने लगा तो इस तरीके से फिर इंग्लैंड में आया तो ये एक टाइम था जब चौसर को इसका मॉर्निंग स्टार उदय होने वाला था जैसे का बिगनिंग होने वाला था उसी टाइम पे जैसे मॉर्निंग स्टार होता है ना जब सुबह होने वाली होती है तो वो सबसे लास्ट में मॉर्निंग स्टार डिस होता है तो इसी तरीके से यहाँ पे इनको हेल्ड किया जाता है इनका एक तरीके से इनको बुलाया जाता है कि

ये जो लैंग्वेज थी इसको एक तरीके से लिखना स्टार्ट किया इस लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट किया उन्होंने अपना वर्क और इसीलिए चौसर का जो टाइम ड्यूरेशन आप बोलोगे फ्रेंच लैटिन इनका जो टाइम ड्यूरेशन था इटालियन टाइम ड्यूरेशन फ्रेंच टाइम ड्यूरेशन और इंग्लिश टाइम ड्यूरेशन ये तीन पार्ट में इनका लिटरेरी वर्क डिवाइडेड है तो ऐसे उन्होंने भी फ्रेंच एंड लैटिन लैंग्वेजेस में अपने वर्क्स को लिखा हुआ है बट अपने works में। इसके साथ ही साथ अदर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है ये हमारा द बुक ऑफ द डीडर्ड एज द फर्स्ट मेजर लिटरेरी वर्क ऑफ चौसर दिस बुक एंड एल एफ ब्लैंड ऑफ लैंसेस्टर ये है कहानी इस नरेटेड किया गया है तो एलेजी की बात है एंड एलेजी ऑफ द ब्लैंड ऑफ लेंसेस्टर एक तरीके का पोएम है एलेजी पोएम है बुक ऑफ द डचेस तो इसको फर्स्ट मेजर लिटरेरी वर्क काउंट किया जाता है चौसर का इसके साथ ही साथ चौसर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क द बुक ऑफ द डचेस जो बात हमने की अभी पोएम ओवर थर्टीन लाइन जो कि एलेजी पोएम है बुक ऑफ डचेस ब्लैंड ऑफ लेंसेस्टर

Roman de la Rose, The Book of the Duchess, House of Fame, Anelia and Archite, Parliament of Fowls बहुत ही important work है ये Parliament of Fowls, Book of the Duchess ये भी important work है, and Lucy and Troilus and Criseyde important work है, इसके साथ साथ Legend of the Legend of Good Women ये भी इंपोर्टेंट वर्क है, The Canterbury Tales आप सभी जानते हो मैग्नम ओपस वर्क है ये चौसर का, and a Treatise on the Astrology ये भी एक वर्क है जो कि चौसर का है ठीक है तो जो इम्पोर्टेंट वर्क इंपॉर्टेंट वर्क से क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे कर दिया है और इसको आप फिर से नोट no डाउन कर लीजिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू दाइफ एंड लिटरी करियर ऑफ चौसर और स्पेसिफिकली ये लिटरी करियर से इनके बिलोंग करता है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चौसर इज नोन फॉर मेट्रिकल

चौसरियन स्टैंडा या राइम रॉयल बोलते हैं चौसरियन स्टैंडा क्यों बोलते हैं क्योंकि चौसर ने इसको इन्वेंट किया हुआ है ये एक तरीके से मेट्रिकल इनका इनोवेशन था एक तरीके का इनका आप कह लो कि इन्वेंट करा है आविष्कार किया है आप बात कर लो या इसको खोज निकाला है इस तरीके के राइम पैटर्न को जो कि सात लाइन की एक स्टैंडा इसमें होती है एक एक स्टैंडा में सेवन लाइन होती है और राइमिंग स्कीम आप सभी को यहाँ पे मेंशन है मैंने कर दिया है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा

he was the first writer to be buried in what has since come to be called poets corner in westminster abbey ye wo jagah thi jahan pe inko death ke baad inko buried kiya gaya tha aur us place ko bolte hain poets corner poets corner mein first ये ऐसे poet थे Geoffrey Chaucer जिनको वहां पे बरी किया गया था और वो Westminster एबे में पड़ता है जो शेक्सपियर भी यही यहीं पे इनको भी बरीड किया गया था शेक्सपियर को भी तो अगर हम चौसर को काम करते हैं तो चौसर वॉज द फर्स्ट राइटर फर्स्ट पोएट टू बी बरीड इन पोएट्स कॉर्नर एंड दैट इज लोकेटेड इन तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनकी लाइफ से रिलेटेड यहां भी इंपॉर्टेंट है और ये भी सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है जो ये फैक्ट हमने डिस्कस किया एंडेड बाय विलियम कैमस्टन टू बी वन ऑफ द फर्स्ट बुक

कुछ रिमार्क्स की बात कर लेते हैं ये एक important fact है. इनके जो एक तरीके से प्रेस या क्रिटिकल एप्रिशिएशन की बात करें तो उसमें बनता है डब्ल्यू जी लॉन्ग ने भी रिमार्क किया हुआ है एक तरीके से अप्रीशिएशन करते हुए लिखा हुआ है चौसस इज एक्सट्रीमली म्यूजिकल एंड मस्ट बी जस्ट By the ear rather than आई ठीक है ये इनका वर्क था ये इनका एक तरीके से अप्रीशियेशन है डब्ल्यू जे लॉन्ग ने किया हुआ है कि उनके जो पोइट्री है वो एक्सट्रीमली म्यूजिकल है और बहुत ही ज्यादा म्यूजिकल क्वालिटीज है उनकी पोइट्री में आप देखोगे कि ये सिर्फ देखने से नहीं आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि म्यूजिक को कहाँ से फील किया जाता है ईयर से फील किया जाता है तो ये देखने के बजाय आप इसको फील करके इनकी पोइट्री को देख सकते हो पढ़ सकते हो कि दे आर एक्सट्रीमली म्यूजिकल एंड मस्ट बी द ईयर रादर देन बाय द आई मीन आपको कहीं कुछ पैटर्न कुछ मेट्रिकल पैटर्न या जो एक पोइटिक पैटर्न होते हैं उसमें कहीं आपको फॉल्ट दिख सकता है एंड दैट्स वाई दिस इज जस्ट टू फील बाय द इयर्स ओके एंड अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैथ्यू एंड का इंपॉर्टेंट फैक्ट है और इंपॉर्टेंट क्रिटिकल अप्रिशिएशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप इसको जरूर एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा मैथ्यू सीरियसनेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है who called that, ये बोला जाता है पूछा जाता है who called that, uh, uh, Chaucer high seriousness? तो वो मैथ्यू एर्नॉल्ड ग्रेट विक्टोरियन क्रिटिक हैं जिन्होंने चौसर की पोइटिक क्वालिटीज में या पोइटिक वर्किमिटी देखी है उनकी में करते हैं, जो ने ये फील किया हुआ है एज अ क्रिटिक ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आज हमने चौसर से रिलेटेड डिस्कस करा इस इंपॉर्टेंट क्लास में और नोट no डाउन कर लीजिएगा आप सभी या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार जरूर मुझे मेंशन करोगे आप सभी कि आपको वीडियो कैसा लगा किसी और इम्पोर्टेंट ऑथर से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर मेंशन कर दीजिए कि आपको किस इम्पोर्टेंट ऑथर से रिलेटेड ये वीडियो चाहिए या क्लास चाहिए मैं आपके लिए वो क्लास जरूर यहाँ पे इस चैनल इंग्लिश इंस्पिरेशन क्लब पे आप सभी के लिए लेके आऊंगी तो जल्दी से जो अभी लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दे इस चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ साथ आप लाइक और शेयर भी कर दीजिए इस स्क्रीन को इस वीडियो को इस क्लास को तो चलिए अब किसी और इम्पोर्टेंट ऑथर को हम पिक करेंगे अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में और क्लास में किसी एमसीक्यू से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बने रहिए चैनल के साथ में एंड थैंक यू वेरी मच